everyone, welcome back to my YouTube channel Indian Vloggera Kitchen to Beauty with Lifestyle. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में. नमस्कार. आज का जी जो वीडियो लेके आए हैं वो आप सबको आई थिंक हिंट मिल गया होगा कि हम एक अनबॉक्सिंग कह सकते हैं या नया फोन लिया हमने उसके बारे में आपको बता रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं. एक्चुअली अनबॉक्सिंग तो नहीं है क्योंकि हमने खोल के इसको देख लिया है. दो दिन तीन दिन पहले हमारे पास ये फोन आ चुका था. उस टाइम हमने इसका क्या मैनेज का वीडियो बना लिया था कि वो भैया जो पकड़ा के जाते हैं तो हमें लगता है कई बार गलत आ जाता है फोन, तो वही चेक कर लो तो बेस्ट रहता है. तो हम हर चीज जो भी कोरियर से लेते हैं वो पर चेक कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें बिल्कुल सैनिटाइजर का प्रयोग करें और चीज लेते ही कोरियर की चीज आप मंगवाते हैं तो प्लीज आप हाथ अच्छे से वॉश करें, अपनी केयर जरूर करें, ठीक है जी. और लेकिन वो वीडियो क्या हुआ, हमसे डिलीट हो गया गलती से, मेरे से वो वीडियो डिलीट हो गया. और ये मैंने फोन क्यों ऑर्डर किया और अचानक मुझे ये फोन ऑर्डर क्यों करना पड़ा, अर्जेंट रिक्वायरमेंट रही इसकी, क्योंकि ये जो हमारे पास एक नया फोन पड़ा है वो मेरा जो पुराने वाला फोन पड़ा है और ये डैमेज हो गया था. और ये डैमेज क्यों हो गया था इसके लिए आपको मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला है, वो जाके देखना पड़ेगा, देन आपको पता लगेगा कि ये मेरा डैमेज हुआ फोन और इसका टच काम नहीं कर रहा है. अभी सही करवाने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है. तो हमने ये नया फोन ऑर्डर किया, तो ये नया फोन ऑर्डर आ चुका है, फोन सही चल रहा है. अभी हम आपको सारा बताते हैं, रिव्यू दे रहे हैं इस फोन का कि ये रिव्यू फोन कैसा है और क्या स्पेसिफिकेशंस है इसके, और पूरा आपको बताते हैं, ठीक है जी. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये ओप्पो A5 2020. एक्चुअली पहले ओप्पो का A5 मॉडल आया था तो उसके अंदर उन्होंने कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए और इसको फर्स्ट अक्टूबर 2019 को रिलॉन्च किया ओप्पो A5 2020 करके. तो ये क्या है, एक्चुअली इसको अपने कह सकते हैं ये एक बजट फोन है. इसकी इस रेंज के अंदर ये फोन ओके है, कोई दिक्कत नहीं है. इस फोन के बारे में एक मेजर बात ये है कि लोग इसको बोलते हैं कैमरा फोन है, ये सेल्फी फोन है, और ये बात सच भी है इस फोन के अंदर, क्योंकि इसकी बैक साइड में अपने को 4 कैमरा दिए हुए हैं, फ्रंट में इसके 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया हुआ है. तो इस पे अगर आप YouTube वीडियो शूट करना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, फोटो ग्रुप फोटो वगैरह के लिए बहुत शानदार फोन है. जो मैं पहले मोटोरोला के दो फोन यूज करके हटा हूं अभी, तो दोनों फोनों के मुकाबले इसकी कैमरा क्वालिटी अपने ये कह सकते हैं कि डबल अच्छी है. अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं. इस फोन के अंदर जो है रैम जो मैंने ली है, इसमें 3GB रैम इन्होंने दी है, और 3GB रैम काफी रहती है कि जैसे आपने नेट सर्चिंग करनी है तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई साइट हैंग हो रही है, कुछ क्या हो रही है या रुक रही है, अटक के चल रही है, कोई वीडियो आप मीडिया प्लेयर ओपन कर रहे हैं तो आपका वीडियो चल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं. 3GB रैम सफिशियंट रहती है. जब पहले फोन ये यूज कर रहे थे उस फोन के अंदर 2GB रैम थी, उसमें भी नहीं दिक्कत आती थी. हाँ, ये होता है कई बार बहुत ज्यादा हैवी गेम्स खेलनी होती है, वो एक अलग बात होती है. तो वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, तो 3GB रैम हमारे लिए सफिशियंट है. तो इसके अंदर क्या है कि इस रेंज के अंदर फोन और भी आ रहे हैं जिसके अंदर रैम बढ़ जाती है, 6GB आ रही है, लेकिन मैंने उन फोनों को इसलिए अवॉइड किया क्योंकि उनके अंदर ना मीडिया टेक हेलोइट प्रोसेसर डाल रहे हैं, जो प्रोसेसर नया है, लेकिन उन फोनों का प्राइस कम रहता है क्योंकि जो मीडिया टेक प्रोसेसर है उसका खुद का प्राइस भी कम है. तो इसके अंदर जो पुराने अपने प्रोसेसर चले आ रहे हैं, जो मोस्टली अपने सैमसंग के, वीवो के, मोटो के, लिनोवो के फोनों के अंदर आ रहा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, वही इसके अंदर इन्होंने प्रोसेसर यूज किया, तो बड़ा ऑथेंटिक प्रोसेसर है. प्रोसेसर की कीमत ज्यादा होती है तो उस कारण से फोन की भी कीमत थोड़ी ज्यादा रहती है इस प्रोसेसर को कैरी करने वाले फोनों की. तो अब इसकी दूसरी बात आती है प्रोसेसर की, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 है, ठीक है. इस फोन के अंदर जो अपना, मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ. जैसे उन्होंने बताया कि आपने इसको हम अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, 3 तारीख को रिसीव किया था तो वीडियो बनाया तो डिलीट हो गया, तो इसको हमने करके सेटअप वगैरह कर लिया था, उसके बाद इसको चलाया है 2-3 दिन, तो अच्छी परफॉर्मेंस है इस फोन की. तो ये इस तरह की पैकिंग में आता है. इसके अंदर इसका यूजर मैनुअल है जो सभी फोनों के साथ ऑलरेडी हमेशा आता ही है, कैसे इसको सिम इंसर्ट करनी है, क्या करना है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें मालूम ही होती हैं, तो मैनुअल पढ़ने की खास जरूरत पड़ती नहीं है अपने को. और इस फोन की सबसे अच्छी बात ओप्पो की ये रहती है कि इसका सर्विस सेंटर हर जगह होता है. हमारी टाउन के अंदर भी, हमारी सिटी के अंदर भी इसका सर्विस सेंटर हमारे घर के बड़ी नजदीक है. तो ये इसका एक प्लस पॉइंट रहता है कि भगवान न करे जरूरत पड़ जाए तो अपने को अच्छा एक जेन्युइन ओपिनियन सर्विस सेंटर वाले दे देते हैं, बिना बात की गुमराह नहीं करते. वारंटी पीरियड के अंदर हो तो और ज्यादा सिक्योरिटी हो जाती है. ये इन्होंने एक पैकेज दिया है, साथ में बड़ी अच्छी पैकिंग करके दी है, ओप्पो की ब्रांडिंग करी हुई है. इसके अंदर हमें इन्होंने दिया है ये बैक कवर, ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, अच्छा है,
और क्या है, बड़ा फ्लेक्सिबल सा है, इस तरह ये फोन की बॉडी को हार्ड या हार्श नहीं लगता, पीछे पेंट वगैरह को भी ये नहीं खराब करेगा। इसके साथ में एक अपना सिम इजेक्शन के लिए ये अपने को पिन दी गई है, होती है सभी फोनों में। हाँ, इसमें एक हेडफोन जो है वो इन्होंने नहीं दिए हैं ओप्पो के अंदर, बाकी मॉडल्स के अंदर कईयों में वो दे रहे हैं, A9 में भी दे रहे हैं हेडफोन, लेकिन ओप्पो A5 2020 के उन्होंने हेडफोन नहीं दिए हैं। लेकिन मुझे उतनी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मोटो वाले मेरे हेडफोन पड़े थे, वो काम आ रहे हैं। इस तरह की इसकी ये पैकिंग रही है, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं फोन को। तो ये है जी हमारा फोन। अब इसके अंदर बॉक्स के अंदर और क्या आया, इसका चार्जर आया है, और इसका क्या है कि सैमसंग या उनके जो दूसरे फोन होते हैं उसके कंपेरेटिवली इसका चार्जर थोड़ा हैवी है, सॉलिड टच आता है इसको पकड़ने में। एक इसकी इन्होंने एक डाटा केबल कह दीजिए, चार्जिंग केबल दी है एक। अब ये फोन के मैं कैमरा के बारे में बात कर रहा था, इसके अंदर रियर कैमरा जो रहते हैं, चार रियर कैमरा दिए हैं जो पिक्चर क्वालिटी को शानदार बना देते हैं। इसके अंदर फर्स्ट कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल, दूसरा है 8 मेगापिक्सल, फिर दो कैमरे हैं इसमें, ये और ये आपके हैं 2-2 मेगापिक्सल के अंदर। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है इन्होंने बैक साइड में ही दिया है, ये अच्छी बात है, यूं हमें टच नहीं करना पड़ता, फोन यूं कैरी किया, पीछे से टच किया और ये ओपन हो जाता है इसका। इसका जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पे इन्होंने फ्रंट में दिया है, और ये 8 मेगापिक्सल का है। मोस्टली फोनों में 8 मेगापिक्सल नहीं होता, लेकिन इसमें इन्होंने 8 मेगापिक्सल दिया है, तो सेल्फी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है फ्रंट कैमरा से अगर आप फोटो लेते हैं तो। अब बात आती है इसकी बैटरी की, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी है, इसको हम हथौड़ा बैटरी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, शानदार बैटरी है। एक बार आपने फोन को चार्ज कर लिया तो 24 आवर तक आप यूज कर रहे हैं, कहीं जर्नी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, आप 5-6 घंटे कॉलिंग भी कर लेते हैं नॉन स्टॉप, तो भी इसकी बैटरी अगले दिन 24 घंटे के बाद 20-25% रह जाती है। हाँ, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि इसके अंदर टर्बो चार्जिंग नहीं है। तो जो मेरे पास पहले दूसरा मोटो का फोन है उसके अंदर टर्बो चार्जिंग है, उसको 0 से 100% चार्ज करने में मुझे 1.5 आवर लगता है, लेकिन इस फोन को 0 से 100% चार्ज करने में 2.5 2.5 घंटे तक हमें लग जाते हैं। ठीक है, सुबह 7 बजे लगा दिया तो अपना 9 बजे तक फोन रेडी हो जाता है, 9 साढ़े 9 बजे तक। इसके अंदर जो डिस्प्ले है 6.5 इंचिस का है, काफी अच्छा है, आप मूवी देखते हैं अकेले बैठ के तो देख सकते हैं, इसमें गेम्स खेलते हैं तो खेल सकते हैं इसमें, क्योंकि स्क्रीन के साइज अच्छा है, स्ट्रेन नहीं पड़ता हमारी आंखों में। इसके अंदर वाटर ड्रॉप स्क्रीन डिस्प्ले है, ये यहाँ पे कैमरा सेंटर में है, बाकी इसकी कोई भी चीज यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन के अंदर नहीं आती है, जैसे इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में दे दिया, और स्क्रीन पूरी ही इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है जो फ्रंट साइड में है। और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज कर रहे हैं वो है एंड्रॉयड V9.0 Pie, और इसके अंदर ओप्पो का एक खुद का रहता है अपना कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको अपने वो है ColorOS 6। वैसे ओप्पो का ColorOS 7 भी कह रहे हैं कि अब आना शुरू होने वाला है या आ गया है कुछ हायर रेंज के फोनों में, लेकिन 6 भी काफी इसको इंटरेक्टिव अच्छा बना देता है, इंटरेक्शन काफी अच्छा हो जाता है यूजर का फोन के साथ। और ड्यूअल सिम स्लॉट है, मोस्टली सभी फोनों में होता है। इसके अंदर एक्सपेंडेबल मेमोरी जो है वो है हमारी इसके अंदर, हाँ इसकी इंटरनल मेमोरी जो है, इसकी इंटरनल मेमोरी 64 GB है। सुनने में 64 GB ज्यादा लगती है, लेकिन सिस्टम रिजर्व जो इसकी मेमोरी रहती है वही अपनी 10-1 GB तक हो जाती है। तो कुल मिला के जब फोन अपने फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं तो 15 GB डाटा, 15 GB मेमोरी तो इसने ऑलरेडी घेर रखी होती है, 12-15 GB जो है मेमोरी इसकी ऑलरेडी स्पेस्ड होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है इसके अंदर कि जो एक्सपेंडेबल मेमोरी है वो 256 GB तक की है, यानी कि आप अगर इसमें मेमोरी कार्ड यूज करते हैं तो 256 GB तक का मेमोरी कार्ड यूज कर लेते हैं, तो टोटल मिला के इसकी हो जाती है 320 GB मेमोरी। बहुत है वो, मुझे लगता है कि सफिशियंट है, आप कई सारी मूवीज डाउनलोड कर लीजिए, कुछ 200-400 फोटोज इसमें रख लीजिए, वीडियो बना के रख लीजिए, तो ये चल जाती है। और इसके बाद इसके अंदर जो दूसरी मेन मेजर बातें हैं इस फोन के अंदर कि ये जो है अपना 4G और 3G दोनों को सपोर्ट करता है, और इसके अंदर अपना जो है इसका रह गया था अपने को बताने वाला लाउड स्पीकर। हाँ, इसमें जो है ऑडियो जैक है 3.5 cm का है, ऑडियो फीचर जो है इसमें डॉल्बी एटम का है, डॉल्बी एटम, डॉल्बी अपने साउंड सराउंड सुनते हैं, डॉल्बी सुनते हैं, तो अगर आप कमरे के अंदर इसके अंदर कोई मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कमरे के बाहर कोई बंदा खड़ा है उसको यही लगेगा कि आप टीवी पे देख रहे हैं, वो ये गैस नहीं कर सकता कि आप मोबाइल पे देख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज है इसकी।
आफ्टर दैट इसके अंदर जो है मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ मतलब मोस्टली इन्होंने एप्लीकेशंस इसको जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे रन करता है तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही होती हैं, बस आपने इसमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाना होता है और उसको आप यूज करना शुरू कर दीजिए। कुछ इन्होंने ऐसी एप्स भी दी हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे इसमें टिकटॉक था तो लोग बहुत यूज करते हैं लेकिन हमें टिकटॉक यूजफुल नहीं लगता, तो हमने उसको डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया उसको। तो ऐसे आप उन एप्लीकेशंस को हटा भी सकते हैं। और इसके अंदर जो एक और अच्छी बात है, इन्होंने गेम्स के लिए अलग इंटरेक्शन दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फोन मेरा ऑन हो गया है, तो ये इसको मैंने जैसे आपको बताया कि 2-3 दिन पहले लिया था, तो इसके अंदर सारी एप्लीकेशंस वगैरह जो है हमने अपडेट मार लिया था, इसका ओएस वगैरह अपडेट कर लिया था। तो ये हमारा फोन है और इसके अंदर है जी फेसबुक वगैरह इन्होंने इनबिल्ट हमें दे दी, जैसे हुआ फ्लिपकार्ट वगैरह इन्होंने दिया हमें। ये मैं कह रहा था गेम्स के लिए, ये गेम स्पेस के नाम से इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। इसके अंदर आप जाएंगे तो ये स्पेशली मतलब एक इंटरेक्शन जो है यूजर के लिए इन्होंने गेम्स के लिए बनाया है। इसके अंदर डाउनलोड जो मैंने कोई ऐसी हैवी गेम अभी इंस्टॉल नहीं करी है इसमें, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो कर सकता है, जैसे पबजी के लिए पबजी मोबाइल लाइट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप सिंपल आप गूगल प्ले से पबजी डाउनलोड करिए और आप मोबाइल के अंदर खेलने लग गए, तो उसमें क्या होता है कि आप क्यों उतना ज्यादा आनंद नहीं आता गेम खेलने का। इन्होंने गेम स्पेस दे दिया तो इससे इंटरेक्शन यूजर के साथ बहुत अच्छा बन जाता है और मोबाइल की गेम खेलने की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। और इसके अंदर बहुत सारी एप्स इन्होंने ऑलरेडी दे रखी हैं, इन्होंने WPS ऑफिस दे रखा है, YouTube स्टूडियो भी दे रखा था, बस आपने अपनी आईडी डाल के लॉगिन करना है, ट्विटर दे रखा था, व्हाट्सएप दे रखा था, पेटीएम हमने खुद इंस्टॉल किया, तो इसकी बाकी जो एप्लीकेशन चाहिए वो इंस्टॉल कर लें, कुछ नहीं चाहिए थी तो हमने अनइंस्टॉल कर दिया। FM रेडियो है, हमारे टाउन के अंदर FM रेडियो नहीं आता है, लेकिन आप जैसे दिल्ली जाते हैं कहीं जयपुर जाते हैं वहां पे आप FM रेडियो हेडफोन जैक के अंदर हेडफोन लगाइए और इसका FM रेडियो काम करेगा आपका। गूगल ड्राइव वगैरह हो गया, ये इसका है रिव्यू। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमने पूरा रिव्यू अच्छे से देने की कोशिश करी है आपको। और इसमें ये दो कलर आते हैं, हमने मेरे से ब्लैक कलर लिया है और इसमें एक वाइट कलर भी आता है। अपनी चॉइस है, जो आपको पसंद हो वो आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमने ऑनलाइन ही मंगवाया है अमेजोन से, और ये फ्लिपकार्ट पे भी है। और फ्लिपकार्ट पे भी हमने चेक किया था, और हमारा वैसे तो ग्रीन एरिया है यहाँ पे जोन, कुछ तो हम ऑर्डर कर पा रहे थे, कुछ फोन्स ऑर्डर नहीं हो रहे थे। तो हमें ये ओप्पो का थोड़ा सर्च किया, इसके रिव्यू अच्छे थे तो हमें अर्जेंटली चाहिए था। अर्जेंटली क्यों चाहिए था इसका आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा देखने के लिए। इसके पीछे एक स्टोरी है, हमारा एक एक्सपीरियंस भी है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपके लिए लाइफ में बेहतरीन आइडिया देगा आपको, या सलाह देगा कि आप हमें ये अर्जेंटली लॉकडाउन के बाद फोन ऑर्डर क्यों करना पड़ा, है ना। और ये इसके साथ हमें हेडफोन नहीं मिले हैं वो हम बता ही चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं आप। होपफुली हमने सारी क्वेरी क्लियर करने की कोशिश की है, जो भी डिस्क्रिप्शन था वो सारा हमने बताया है, रिव्यू अच्छे से देने की कोशिश करी है। ऐसा मतलब हमने थोड़ा स्टडी करके ही बोला है और थोड़ा 2 दिन का एक्सपीरियंस लेके ही इस फोन का वीडियो बनाया है, जो रिव्यू प्रोडक्ट का हम देने हैं। और इसमें और भी काफ़ी सारे आते हैं, ये 3 GB का लिया हमने, 4 GB का भी आता है ओप्पो में, ठीक है जी। और साथ में ये हमने माइक लिया है, माइक ये बेसिकली इसलिए लिया है कि इससे पहले मैंने ट्राइपॉड का वीडियो भी बनाया है और उसमें हम बताना भूल गए थे कि हमने माइक साथ में ले लिया था। अगर हम वीडियो बनाते हैं तो माइक को लगा के वीडियो बनाएंगे तो आपकी वॉइस क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे ओप्पो आई थिंक अभी मैं इस माइक के बिना बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वैसे वॉइस बहुत क्लियर आ रही है, तो अगर फिर भी आपको यूज करना हो तो माइक आप यूज कर सकते हैं। और ठीक है जी, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।